हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवल। यह पार्ट 30 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ऑक्शन कैरी सिटी में एक बड़ा इवेंट है जिसका सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसे ट्रेजर ऑफ सी भी कहा जाता है क्योंकि कैरी सिटी भी समुद्र के करीब ही होती है और यह ऑक्शन कोलिजियम में होने वाला है। यह कैरी सिटी की सबसे बड़ी जगह है। सुबह होने के साथ लोग वहां आने लगते हैं। वहीं मेयर और तांगसन एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ह्यूमन वेसल को वैसे तो इसमें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है, लेकिन तांगसन को नहीं पता होता है मेयर ने कैसे इसका जुगाड़ किया है। हाँ, लेकिन मेयर ने कुछ इस तरह का मेकअप किया होता है जिससे वह एक मंकी डीमोन के करीब लग रहा होता है। इसके बाद मेयर यहाँ एक जगह के बारे में बताता है। वहां पर डीमोन आपस में फाइट करते हैं, जो आज के होने वाले इवेंट में से ही एक होता है और ऑक्शन से पहले होने वाला होता है। और इसके साथ ही मेयर तांगसन के पूछने पर बताता है, यदि तुम उसमें भाग लेना चाहो तो तुम्हें लगातार 100 मैच जीतने होंगे, जो इम्पॉसिबल ही लगता है क्योंकि सामने आने वाला ओपोनेंट एज और पावर को नहीं देखता है। आगे मेयर कहता है, भले ही मैं खुद 90 ईयर पर हूँ, लेकिन मेरे पास भी वह कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उतने मैच एक साथ जीत सकूं। और यदि तुम 100 मैच जीत जाते हो तो तुम्हें एक नोवल का दर्जा मिल जाएगा। और इसके साथ ही मेयर तांगसन को नोवल बनने के फायदे बताने लगता है। इतना सुनने के बाद तांगसन मेयर से कहता है, यदि मैं नोवल ह्यूमन वेसल बनता हूँ तो क्या मैं कैरी कॉलेज में जा सकता हूँ? इस पर मेयर तांगसन से कहता है, बेवकूफी मत करो, मैं यह रिस्क नहीं ले सकता हूँ। इसी तरह से मास्टर और तांगसन दोनों ही अपनी जगह तक पहुँच जाते हैं। सीट पर एक सेंसर लगा होता है जिससे वह नीलामी की बोली में भाग ले सकते हैं। और यदि ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले उसकी कीमत को नहीं चुका सके तो वह 10 मैच को लगातार रो में जीतते हुए भी उस चीज को ले सकते हैं। हारने पर मरना होगा। इसी के साथ कुछ ही समय में ऑक्शन शुरू होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले फाइट होने वाली होती है। ऑक्शन में सभी डीमोन अपनी ग्लोरी दिखाते हैं। इसके साथ ही यह फाइट भी करने लगते हैं, जिसकी पावर विंग्ड टाइगर से भी ऊपर होती है। यहाँ एक जायंट स्कॉर्पियन और ब्लड थ्रस्टी बेयर डीमोन के बीच काफी भयानक फाइट होती है, लेकिन आखिर में बेयर डीमोन हारने के साथ मारा जाता है। वहीं इसके बाद सेकंड गेम ह्यूमन वेसल्स के बीच होना है, जिन्होंने अपने ऑनर को धोखा दिया होता है। इसी तरह से वही भी फाइट करने वाले होते हैं। इंसानों का डीमोन से डेथ मैच की फाइट मेयर से देखी नहीं जाती है, जिससे मेयर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। तांगसन उसे देख सकता है। वह ह्यूमन वेसल 6 टीयर के पावर हाउस हैं, जबकि उनके सामने 9 टीयर का डीमोन होता है जिसे ब्लड बूचर कहा जाता है। वह जैसे ही उसे मारता है तो कोई उसे रोक लेता है। वह उनके साथ कुछ और एंजॉय करेंगे क्योंकि सभी जानते हैं वह रो में 10 मैच नहीं जीत सकते हैं, जिससे वह मरे ही होते हैं। सोचते हुए वह ब्लड बूचर उन्हें तुरंत ही मार देता है। यह सब ऑक्शन से पहले होने वाली फाइटें होती हैं। अब लास्ट और तीसरी फाइट होने वाली होती है। जो भी वह जीतता है उसे ऑक्शन में ली हुई किसी भी आइटम में 50% की छूट मिल सकती है। और यदि फाइट नहीं करता है तो फाइट न करने पर हारा हुआ और कायर कहने के साथ ही ऑक्शन को छोड़कर भी जाना होगा, जिससे सभी डीमोन एक्साइटेड होते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और जल्दी ही सभी शर्त मान लेते हैं। हालांकि उसके बाद पता चलता है वह पब्लिक में से ही किसी एक को रेंडमली चुनने वाले होते हैं। ये रेंडम तरीके से होता है। इसी के साथ दर्जन भर बीम जगमगाने लगते हैं और कुछ देर बाद एक व्यक्ति पर आकर रुक जाती है। यह बीम तांगसन को चुनती है, जिससे मेयर चिल्लाता है, लेकिन कोई भी मानने वाला थोड़ी ना ही होता है। अब तांगसन का ओपोनेंट वह जायंट स्कॉर्पियन होता है। तांगसन मेयर से कहता है, मास्टर मुझ पर विश्वास रखो। कहते हुए तांगसन की बॉडी फ्लैश होने लगती है। तांगसन के चारों ओर एयर एलिमेंट कंडेंस हो जाता है और तांगसन ग्राउंड में पहुंच जाता है। तांगसन अब तक पूरी तैयारी कर चुका होता है। तांगसन की आंखों से ब्लू कलर फ्लैश हो रहा होता है। तांगसन अपने विंड एलिमेंट से अटैक कर देता है। वह स्कॉर्पियन डीमोन भी तांगसन पर अटैक करता है। तांगसन उसके सामने मात्र एक विंड एप डीमोन है। स्कॉर्पियन टेल तांगसन की बॉडी में एंटर कर जाती है। इसी के साथ तांगसन ने अपना लेफ्ट हैंड लहराया होता है, डार्क ग्रीन कलर की लाइट के साथ स्कॉर्पियन टेल को काट देता है
और तांगसन हवा में आ जाता है और इसी के साथ तांगसन मेंटल अटैक के साथ स्कॉर्पियन पर अटैक करता है। भले ही बाय डीमोन 8th टियर का है लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ में तांगसन के बराबर नहीं है। तांगसन ने पर्पल डीमोन आई से अटैक किया होता है जिसके अटैक से वह डीमोन मारा जाता है। इसके साथ ही तांगसन उसकी बैक पर खड़ा होता है। सभी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब वह तांगसन का नाम जानना चाहते हैं तो तांगसन ने नाम ना बताते हुए जाने लगता है जिससे वहां की होस्ट यूसी तांगसन पर दहाड़ने लगती है जो किसी गॉड लेवल के बराबर होती है। लेकिन उसने तांगसन पर अटैक नहीं किया होता है। इसी तरह से तांगसन दोनों डीमोन और ह्यूमन वेसल की बॉडी को अपनी स्टोरेज बैग में रखते हुए वहां से चला जाता है। मियर ने तांगसन की पर्पल डीमोन आई को देखा होता है लेकिन तांगसन से अभी कुछ भी नहीं पूछा होता है। यूसी जाने लगती है। उसके पीछे एक फिगर आता है जो किसी इंसान से कम नहीं होती है लेकिन उसकी टेल होती है। यह फॉक्स फैमिली से होती है और पिंक ड्रेस पहने हुए होती है। यह एक ऐसी रेस है जो डीमोन के बीच अपने नॉलेज और स्पिरिचुअल पावर के कारण फेमस होती है। हालांकि फॉक्स में सबसे पावरफुल स्काई फॉक्स ही होती है लेकिन यह भी कम पावरफुल नहीं है। यह ऑक्सन इंचार्ज होती है और सभी को नियम बताने लगती है और इसके बाद भी एक एक करके ऑक्सन में रखी हुई आइटम आने लगते हैं। सबसे पहले एक बड़े पिंजड़े में 18 ह्यूमन वेसल स्लेव होती हैं जिनकी पावर मात्र 1 या 2 टीयर की होती है जिससे वह मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्हें स्लेब बनाते हुए जिंदा रखा क्योंकि उनमें फायर फॉक्स का ब्लड होता है। इसके साथ ही वह सभी फीमेल होती हैं। यह सब देखते हुए तांगसन को काफी गुस्सा आता है लेकिन मेयर तांगसन को इम्पल्सिव होने से रोक लेता है। उनकी कीमत पहले से ही 15 एलिमेंट क्वाइन होती है लेकिन कुछ बातों के बाद तांगसन मेयर को मना लेता है और उनकी कीमत 30 क्वाइन कर देता है, फिर 35 कर दिया होता है जिस पर डील फिक्स हो जाती है। इसके बाद सेकंड आइटम के रूप में कोई आर्मर आता है। फिर उसके बाद एक थर्ड आइटम आता है जो लाल कपड़े में लपेटा हुआ हैमर सा दिखाई देता है जिससे लाइट इमिट हो रही होती है। इस बार हैमर को स्काई ब्रेकर नाम दिया था जिसने भी इसे बनाया था। यह लावा आयरन या फायर आयरन का बना हुआ होता है और बात करते हुए फॉक्स गर्ल ने वॉर हैमर को पकड़ते हुए गाड़ी पर मार दिया होता है जिसमें धमाके की आवाज के साथ वह गाड़ी बिखर जाती है। तांगसन ने इस तरह के मटेरियल को गॉड किंग बनने पर भी नहीं सुना था। यह काफी ज्यादा रेयर मटेरियल है। यह टॉप 10 में रैंक कर सकता है जो कि लगभग 10,000 सालों में बन पाता है। इसकी बोली 50 क्वाइन से शुरू होती है। तांगसन इसकी कीमत समझ सकता था लेकिन डीमोन नहीं और इस तरह 200 क्वाइन पर उसकी बोली आकर रुक जाती है। इस पर तांगसन 250 कह देता है। इसके साथ ही वह आइटम तांगसन का हो जाता है। इसके बाद कई दर्जन आर्मर और वेपन निकलते हैं। फिर और भी आइटम आते हैं लेकिन फिर तांगसन की नज़र में एक आइटम और आता है जो कि गोल्डन बोर्ड होती है जो रिचेन एम्पायर से आई हुई होती है। लेकिन कोई भी डीमोन इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है या कहा जाए यह किसी को पता ही नहीं होता है यह क्या कर सकती है। दरअसल तांगसन की पिछली जिंदगी की सेरेक एकेडमी में एक ट्री होता है। यह ट्री सोललैंड सेकंड में दिया गया है जो 3rd सीजन तक चलता है जिसकी पावर के कारण श्रेक एकेडमी उस मुकाम तक पहुंची होती है। उस ट्री के नीचे अनेकों ह्यूमन पावर हाउस बने होते हैं। यह भी उसी तरह की आइटम होती है। इसे एशियंट गोल्डन ट्री और एशियंट ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है जिससे तांगसन ने मेयर से इसे लेने के लिए कहा होता है। इसके बाद जियांग फ्रूट होते हैं जो कुल 12 होते हैं। इसकी बोली पलक झपकने के साथ 400 क्वाइन तक पहुंच जाती है जो हद से ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। फिर तांगसन मेयर को 50% ऑफ वाली बात बताता है। 700 क्वाइन में यह डील फिक्स होती है। यह फ्रूट मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। इसके बाद काफी कुछ आते हैं लेकिन इनकी बोली इतनी अधिक होती है कि तांगसन और मेयर केवल उन्हें देख ही सकते थे। और आखिर में एक ब्लड ड्रॉप आती है जिसके आने पर वह फॉक्स गर्ल भी उसे ग्रीट करती है और कहती है यह ब्लड ड्रॉप हमारे सबसे पावरफुल लोगों में से एक का है। यह QI से लूदा डीमोन एम्परर से आया होता है। यह तांगसन के राइनो डियर की ब्लडलाइन से रिलेटेड होता है और इस ब्लड ड्रॉप में उस एम्परर की काफी ज्यादा एनर्जी को कंडेंस किया हुआ होता है जिसकी बोली जल्दी ही शुरू हो जाती है। इसी के साथ हमें पता चलता है एक प्राइवेट रूम में
मेई गोंगजी भी इस ऑक्शन में बैठी हुई होती है। इसके साथ दूसरे कमरों में भी पीकॉक टीमोन होते हैं और इस तरह से इस ब्लड ड्रॉप की कीमत बढ़ती जाती है और यह 50 मिलियन तियानियू कॉइन तक पहुंच जाती है और फाइनली 51 मिलियन तियानियू कॉइन पर आकर फिक्स हो जाती है। तांगसन इस ब्लड ड्रॉप को घूर रहा होता है। अब घूरे भी क्यों ना, क्योंकि यह फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन में से एक होती है। ऑक्शन के खत्म होने पर तांगसन ऑक्शन हाउस से निकल जाता है। अपनी एकेडमी की ओर चलते हुए तांगसन ने अपना मास्क उतारा होता है, उसके साथ ही कैरी कॉलेज की वर्किंग ड्रेस पहन ली होती है। तभी तांगसन की बैग की तरफ एक फिगर आता है और मीठी सी आवाज में कहता है, यह वास्तव में तुम हो। तांगसन ने पलटकर देखा तो वह मेई गोंगजी होती है, जिससे तांगसन शॉक हो जाता है और तांगसन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। इस पर मेई गोंगजी कहती है, ज्यादा नाटक मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही थी। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।